हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फो हाइव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर का थर्ड वीडियो पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट क्लास टेंथ मैथ्स। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहता है कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। मतलब हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हर एक नंबर यूनिक होगा। हर एक नंबर, सभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर या और फैक्टर्स, वो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। तो चलिए बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, ओनली टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो वन होना चाहिए और सेकंड फैक्टर नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर हम इस किसे कहते हैं कि ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर हों, टू फैक्टर, और जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो वन होगा और सेकंड जो फैक्टर उसका होगा वो नंबर खुद होगा। अब बच्चों, हम लोग रियल नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे सामने रहेंगे। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चलिए बात करते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n, n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसकी एंडिंग 0 डिजिट से नहीं होगी कभी भी, यही हमें शो करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ, कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है, फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो 10 है। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 and 5। मींस अगर आपको 0 लाना है एंड में तो फैक्टर में 2 और 5 मस्ट है होना, तभी ये लास्ट में 0 आ सकता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ 4 to the power n, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर टू द पावर n, मीन्स 2 पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into n हो जाएगा, मीन्स 2 2n। अब ये पावर में n, n क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मींस 2 का ही बार बार मल्टीप्लाई होगा। जब 2 का बार बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या उसमें 2 तो मेरे पास है एज अ फैक्टर, लेकिन क्या हमारे पास 5 है? 5 ये नहीं है मेरे पास यहां पर। जब ये 5 है ही नहीं इसमें, तो कभी भी 0 आएगा लास्ट में? नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, हम यहां कह सकते हैं कि 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4 to the power n, सो इट नेवर एंड्स विद 0, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि 10 जो है, 10 को हम बेसिकली लिख सकते हैं 2 into 5 में, और
यहां पर 5 है ही नहीं फैक्टर, जब 5 है ही नहीं, अगर 5 होता तो 5 इंटू 2 10 तो आता, 0 तो आता, लेकिन यहां पे 5 एज अ फैक्टर नहीं है तो हम इसे नहीं लिख सकते। मतलब ये जो नंबर आएगा वो 0 एंड में नहीं आएगा कभी भी। 0 एंड में आने के लिए ज़रूरी है कि 5 एज अ फैक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर से इसको डिवाइड करें, 245 को डिवाइड करें और 1037 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 5 मिले। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या हैं, देखिए किसी भी नंबर का एचसीएफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट्स, बच्चों बताओ। हम क्या करेंगे, यानी कि 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 5, तो एचसीएफ हमारा आया 5। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, बच्चों ध्यान देना, दिस इज द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड दीज टू नंबर्स। देखिए यहां भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। यहां तक तो क्लियर है कि अगर हम दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो वो नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि रिमाइंडर जो होगा 5 आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 5 रिमाइंडर आना चाहिए, मींस इसका मतलब ये है कि 5 हमें बच रहा है तो हम इसमें से 5 माइनस करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड है ये, ओके। लेकिन हम कहें कि 1 रिमाइंडर आ रहा है, हमें ये नंबर नहीं पता, यहां पे नंबर नहीं पता, ठीक है, तो यहां रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या कि यहां पे जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड तो जा रहा है बट वो 1 ज्यादा है, मींस 4 नहीं है वो 5 है, वो 8 नहीं है वो 9 होगा, क्योंकि 8 तो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो 1 ज्यादा है। इसीलिए आप यहां पर जो रिमाइंडर हमें 5 बच रहा है उस 5 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 5 इसमें से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 245 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 240 एंड 1037 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 1032। तो हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ यहां पे निकाल लेंगे, जो एचसीएफ निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब आप एचसीएफ दोनों तरीके से निकाल सकते हो, आप सिंपल डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी आप ऐसे निकालो, एचसीएफ निकल जाएगा और यहाँ पे आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लीविंग द रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, इसमें क्या है कि वो लार्जेस्ट नंबर जब इसको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर आए, वो लार्जेस्ट नंबर जब इसको डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर आए। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बच्चों क्या किया था, तो हम लोगों ने रिमाइंडर को माइनस किया था, तो हम भी इस रिमाइंडर को इससे माइनस कर देंगे, इस रिमाइंडर को इससे माइनस कर देंगे और जो नंबर आएगा उसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। मीन्स हम लोग करेंगे क्या, 129 माइनस 3 करेंगे और 545 माइनस 5 कर देंगे, ओके तो ये 126 हो गया, 126 और ये हो गया 540।
अब इन दोनों नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, HCF। तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आया। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन के सामने दे रहा हूँ, आप उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर जानने से पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, सभी को हमको लगता है पता ही होगा, आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, और इसको हम लोग काउंटिंग भी नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0+0 एंड नेचुरल नंबर, 0 और ये बाकी क्या है, ये बाकी तुम्हारे आपके नेचुरल नंबर है। और होल नंबर जो होता है 0 एंड नेचुरल नंबर, 0 को ले लिया और बाकी नेचुरल नंबर है, तो ये हो गया आपका होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, यानी जितने भी होल नंबर्स हैं ये होल नंबर्स हो गए, ये आपके होल नंबर्स हो गए, और इधर ये सब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसे हम नेगेटिव इंटीजर्स कह रहे हैं, और ये जो होल नंबर्स थे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट याद रखिएगा बच्चों, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग न तो पॉजिटिव बोलते हैं न ही नेगेटिव बोलते हैं। तो बच्चों तो ये सब चीज़ें एक थोड़ी सी रिवाइज मैंने करा दिया, अब हम लोग बढ़ते हैं रैशनल नंबर की तरफ। तो व्हाट इज रैशनल नंबर, ये तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिफिनेशन हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, और यहां भी पढ़ रहे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकें, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर क्या क्या होगा, 2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों क्योंकि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पी हो गया ये क्यू हो गया, और क्यू 0 नहीं है। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वहां पे 1 होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं 3.5, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 35/10, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 7 35 5 2 10, 7/2, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा चलिए बात करते हैं 1/3, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0.33333 एंड सो ऑन। मीन्स आप देख रहे हो कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट मीन्स स्टॉप नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो रिपीट करे, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल पार्ट है, जिसका डेसिमल पार्ट रिपीट करे और टर्मिनेट ना करे, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, बार जिस डिजिट के ऊपर लगता है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होगा जो रिपीटिंग हो, रिपीटिंग हम कह सकते हैं या रिकरिंग कह सकते हैं, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब भी होता है क्या, रिपीट होना। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पे टर्मिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन अगर टर्मिनेट कर गया, जैसे यहां पे देखो, यहां पर ये 0.5 के बाद रुक गया, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो रैशनल नंबर होगा ही होगा। लेकिन जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट होना चाहिए, ये रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग नंबर्स होने चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो दो बातें हमेशा याद रखना, रिपीटिंग भी होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना मस्ट होगा, अगर टर्मिनेट कर जा रहा है तो ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब मींस ये रुकेगा नहीं एंड नॉन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 0.10 1001000 1000 0000, इस तरह के नंबर्स, क्या ये रिपीट हो रहे हैं? 10 है, 10 फिर रिपीट हुआ, लेकिन फिर रिपीट हुआ नहीं हुआ, तो ये रिपीट बार बार नहीं हो रहा है। और जब ये नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है ये, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर मिल करके बनाते हैं रियल नंबर। आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर है उस वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। हम इसको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो भी रैशनल नंबर है, 0/1। अगर कोई कहे आपसे कि जीरो क्या है, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर ये है। तो रैशनल नंबर ये और इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। अब एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मींस जो रियल ना हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अंडर रूट -2, ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्लास 11th एंड 12th में आप लोगों को इमेजिनरी नंबर के बारे में, आप लोग उसके बारे में डिटेल। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ये इस चैप्टर का लास्ट होगा, इस चैप्टर में जो भी चीज़ें बची रह गई हैं वो सारी चीज़ें उसमें कवर की जाएंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।